सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये है चिकन अचारी बोटी ग्रेवी के साथ। ये तकरीबन मैं ले ली 2 किलो प्याज, उसको कट करने के बाद 1.5 किलो हो गई, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली। अब मैं इसमें डालूंगी बघार की मिर्ची और साबित लहसुन। ये देखिए मुट्ठी भर के लहसुन है और 8 से 10 साबित मिर्चें हैं जिसको मैं बीच में से तोड़ ली। और अब मैं इसमें हल्का सा जीरा डालूंगी, हल्का सा ज़्यादा नहीं, और करी लीव्स। चलिए ये मुट्ठी भर के करी लीव्स हो गए, और थोड़ा सा 1 टीस्पून साबित लहसुन है। इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। कोशिश करिए कि लहसुन और साबित मिर्ची अच्छी तली जाए ताकि इसमें अचार का फ्लेवर इन्हेंस होना। और ये थोड़ा सा ग्रेवी वाली अचारी बोटी है चिकन की, सेम एज इट इज़। आप इसमें मटन की अचारी बोटी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली। मैं इसको तकरीबन अच्छा फ्राई कर लूँगी और 1-2 से 3 मिनट। जैसे प्याज लहसुन और ये और ज़्यादा फ्राई हो गया, मैं इसमें डाल दूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना। हाँ, अब मैं इसमें डाल दूँ बोनलेस तकरीबन 1 किलो चिकन, 1 चाय का चम्मच शाही गरम मसाला जिसका वीडियो मेरे चैनल पे है फुल भर के, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डालूँ, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं तो आजकल सेंधा नमक फिर से स्टार्ट कर दी यूज़ करना, तो मैं वो डालूँगी। अच्छे से मिला लेना है इसको, अच्छे से। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, भुनाओ 2 मिनट तक इसको, अच्छा भुनेंगे ताकि चिकन का कच्चा मज़ा चले जाना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और जो हम तड़का लगाए ना लहसुन का और करी लीफ का, वो तड़के में चले जाए इसके खुशबू ना हीक चिकन की। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हमेशा वो जुमे बादशाह का ये मसाला यूज़ करती हूँ, वो तो ये क्या है इनहेरिट बोल के, जो मलकपेट एरिया में रहते हैं उनको मालूम होना चाहिए। मलकपेट का जो इन एंड आउट है, पेट्रोल पंप है ना मलकपेट का, जो MS कॉलेज के बाजू उसके ऊपर इन एंड आउट का जो आउटलेट है, वो लोग ये वो कर रहे हैं, बना रहे हैं ब्रांड इनहेरिट। इसका सारी जो इसका मसाला A1 एक नंबर, यह प्रमोशन ही है, मगर मेरी फितरत है कि मैं जो चीज़ जिसमें यूज़ करती हूँ वो मैं ज़रूर बता दूँ। तो राइट नाउ मैं ये इसमें डालूंगी। अच्छा और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आपको साइड में सूजी गिरी भी दिखेंगी, तो अभी मैं एक हाथ से वीडियोस बना रही हूँ, तो माजरत के साथ आपको ये एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा। सो ये मसाला मैं तो सब्जियों में भी यूज़ करूँ, तो इनका अचारी गोश्त का मसाला बहुत ज़बरदस्त है, एंड तंदूरी मसाला भी अच्छा है, पत्थर का गोश्त भी अच्छा है, हलीम मसाला भी अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मसाला जिसके लिए उसमें ही बने, आप उसको ट्विस्ट करके भी डाल सकते हो। तो ये अचारी गोश्त का मसाला सब्जियों में भी यूज़ करिए। इनहेरिट मलकपेट का जो पेट्रोल पंप है, इन एंड आउट का जो आउटलेट है MS स्कूल के कॉलेज के बाजू, मैं ये डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच भर के। अच्छा आपको तो मिल नहीं सकता, तो अगर आप जो ले सकते हैं हैदराबाद में ले लीजिए, जो नहीं लेना चाह रहे हैं उन्हों क्या करिए, यही धनिया जीरा सौंफ इक्वल ले लीजिए, ले लेके उसको पीस लीजिए। 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, उसको हल्का सा भून के उसको पीस लीजिए और इसमें मिला लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो दही, दही डाल के मैं उसको भूनने के लिए रखूंगी। फिर दम के ऊपर मैं इसके अंदर हल्का सा क्रीम डालूंगी और थोड़ा सा मेयोनीज डालूंगी गार्लिक वाला, और अब काजू का पेस्ट भी डालूंगी इसमें मैं थोड़ा सा। ये 1/2 किलो दही डालूँ, अब पाउडर के साथ मैं क्या करूँगी, काजू का पाउडर भी डालूंगी मैं। काजू का पाउडर है 100 ग्राम, काजू का पाउडर ऑप्शनल है, अब ईद का मौका है थोड़ा सा रिच होना बोल के मैं डाल रहा हूँ। आप ना डाल रहे हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं, मगर काजू के पाउडर से ग्रेवी बड़ी मज़े की बनती है। मिलाओ ये एक बन, मिलाओ बेटा। अच्छा आप देखिए ये रिच और इतनी मज़े की शानदार अचारी ग्रेवी है, सेम एज इट इज़। आप मटन का कर सकते हैं, मटन को अगर आपको कुकर में बनाना है तो जब मैं प्याज डाली ना वही स्टेज पे मटन को भी डाल के फ्राई करके 2 से 3 सीटी लगा दीजिए, सेम ये मौके पे लगा दीजिए सीटी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वीडियो बना रही हूँ, और अभी मैं नया नया शिफ्ट हुई, आज मेरा सेकेंड डे है पकवान का, तो अभी सारा सेटअप होना है, उसके बाद इंशाल्लाह सारे प्रेजेंटेशंस बताऊंगी और रीज़न भी बताऊंगी क्या रीज़न से मैं उल्टे दिन से लापता थी। और फिर हाँ, और माशाल्लाह घर भी बहुत अच्छा है वो भी बताऊंगी, और ढेर सारे वीडियोस बना के रखी थी जो अपलोड नहीं कर सकी, तो वक्त के साथ साथ वो भी करूंगी। और थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मेरी एब्सेंस के बावजूद भी कॉन्स्टेंट मेरे को सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट में मेरी खैर खैरियत पूछते रहे, दिल से शुक्रगुजार।
तो मेरी बेटी के एग्जाम्स हो गए उसके लिए दुआ करिए, अच्छे से रिजल्ट के लिए, मेरी माँ की सेहत के लिए, उनकी सच्ची खुशियों के लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, ताकि बुरी नज़र से, बुराइयों से, परेशानियों से, अतराफ के हर्डल से और हर किस्म की मुसीबत से, परेशानियों से बचे। अल्लाह हमको बचा आप सबकी दुआओं से। मैं काजू डाली तो नीचे से थोड़ा लगेगा, तो मैं हल्का पानी छोड़ूंगी इसमें, इसके बाद ढक दूंगी इसको। कंसिस्टेंसी चेक करी, तकरीबन आधे से पौन ग्लास पानी डाली इसमें मैं, और अब गलने के लिए रख दूंगी ढक के, और चेक करते रहना क्योंकि अपन काजू डाले इसमें, नीचे से लगने का डर है। देखिए अपन उसको अच्छा पका लिए, प्रॉब्लम ये हो गया था, मैं उसको अच्छे 10 से 15 मिनट पका ली मीडियम फ्लेम पे, और हल्का सा इसमें तंदूरी कलर डाले, और अब इसको क्या करना है कि ऑयल छुट्टे में निकाल ले, वो नहीं बता सकी क्योंकि आज ईद का दिन है, गड़बड़ होता है, आप लोग समझ रहे होंगे ईद के दिन चिकन क्यों बनाते हो, ज़रूरी नहीं है कि घर में जितने लोग हैं सब मटन खाना। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, जिसको मेयोनीज खाना है इसमें और जिसको क्रीम खाना है वो डाल ले सकते, जिसको नहीं खाना क्योंकि हमारे पास ज़रा अवॉइड है इसलिए मैं नहीं डाल लूँ, अवॉइड करना है, अवॉइड है नहीं। यह है फाइनल प्रेजेंटेशन, बस सेम एज इट इज़, मैं मसाले जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी सेम एज इट इज़ बनाई है, इनता ही मज़े का लजीज जायकेदार चिकन अचारी बोटी ग्रेवी। चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ, अभी तो ये घर में शिफ्ट होने के बाद पहला वीडियो है, इंशाल्लाह पूरा सिस्टमेटिक आएगा क्योंकि किचन भी बहुत बड़ा है यहाँ, मेरे हिसाब का सब काम अच्छा होगा इंशाल्लाह।